देखने में सूटेड बूटेड है, मतलब राष्ट्रपति को मिलने के लिए गया, तो हम लोग का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि नहीं मिलेगा, हम लोग को बाजू में बैठा दिया। और मेरा अंदर में था कि हम ऐसा कुछ बोलेगा कि सर का साथ कनेक्ट हो जाए। उन्होंने बहुत जोर से एक साउट कर दिया, अभी हमारा साथ बात करना है तो रुक जाइए। इसका अंदर में भी उनका जो पीए है आके बोला, आप लोग का टाइम हो गया, हाउ यू हैव सेंड द कोटेशन टू माई फादर। एमएम को मालूम है, ब्रांच मैनेजर को मालूम है, मेरा तो इज्जत का फालूदा हो गया। अच्छा कौशिक जी, आई एम वेरी सॉरी, योर प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एक स्पेशल एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम उनकी आत्मा के लिए एक प्रेयर करना चाहते हैं। प्लीज हमारे साथ में इस प्रेयर में जुड़िए। परमात्मा इतनी महान आत्मा को, उनकी आत्मा को बहुत शांति दे। हाँ, इतना महान आत्मा को शांति मिले। हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, बड़ी दुखद बात है, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी को उन्होंने इंश्योरेंस लेने के लिए राजी कराया और बाद में उन्होंने अपना क्लाइंट भी बना दिया। ये सुनकर आपके मन में तो कई प्रश्न आ रहे होंगे, मेरे भी मन में कई सारे प्रश्न हैं। तो चलिए मिलते हैं उस व्यक्ति से। ये कलकत्ता के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और इनका नाम कौशिक घोष है। कौशिक जी, मैं आपका सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रंजीत जी, आपको BITV को और BITV का दर्शक को पुनः नमस्कार करता हूं शुरू में, और सर के लिए फिर से मैं एक नमन करता हूं इतना महान आत्मा के लिए जो लास्ट मंथ में हम लोगों को छोड़ के चला गया, सबको मालूम है। कौशिक जी, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप देश के राष्ट्रपति से मिल पाओगे, उन्हें अपना कस्टमर बना पाओगे? कभी नहीं, ख्वाब में भी नहीं, दूर का ख्वाब से भी नहीं, एकदम नहीं। कौशिक जी, तो क्या आपके पास कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई राजनेता ऑलरेडी कोई कस्टमर है आज की तारीख में? देखिए, बहुत सारा बंगाली राइटर, उन जिनको सुनील गंगोपाध्याय, शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय, फिर जॉय गोस्वामी एक बहुत बड़ा पोएट है, और आकाशवाणी का न्यूज रीडर था देवदुलाल बंदोपाध्याय, उनको पॉलिसी किया, लेकिन कोई राष्ट्र नेता को मैं कभी अप्रोच ही नहीं किया पॉलिसी करने के लिए तो नहीं है। तो कैसे कौशिक जी, आप कैसे वहां तक पहुंचे, राष्ट्रपति तक आप कैसे पहुंच गए? कहानी ऐसा था कि मेरा एक नया एजेंट अभी जुड़ा है मेरा टीम में, उनका नाम है देवाशीष दत्तो, उनका एक फ्रेंड उनको रिक्वेस्ट किया कि राष्ट्रपति को मिलने के लिए। कारण था कि वो सिख था, पंजाबी, तो आपको मालूम है ना पंजाबी का जो मेन ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका 17 इयर्स लेके उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया। फिर उन्होंने सोचा, इतना परिश्रम किया तो क्यों ना बंगाली का जो मेन आइकन है, जिनको राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, जिनको भारत रत्न मिला था श्री प्रणब मुखर्जी सर से, उसको उद्घाटन करना, और सर का पास हम लोग गया उनका उद्घाटन का इन्विटेशन करने के लिए। अच्छा, उनका एक्चुअली ना दो फ्लैट है दो साइड में, तो दो फ्लैट का एक रूम में सर का मेन चेंबर है जिसमें सर बैठता है, और दोनों फ्लैट ही एकदम चकाचक भरा हुआ था, और सब आदमी एकदम बहुत रईस आदमी, मोटा मोटा चेन पहना हुआ है, देखने में सूटेड बूटेड है, मतलब राष्ट्रपति को मिलने के लिए गया। तो हम लोग का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि नहीं मिलेगा, हम लोग को बाजू में बैठा दिया। उनको बोला कि ये धर्म का मामला है, धर्म ग्रंथ उद्घाटन के लिए हम लोग आया है, तो उसी कारण में उनको ना हम लोगों को 3 मिनट टाइम दिया, और उसमें भी बोला था, देखिए
ऊंचा आवाज में बातचीत बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति का सामने में ऊंचा आवाज में बातचीत नहीं, मोबाइल फोन एकदम नहीं, सेल्फी नहीं, कैमरा नहीं, और कोई बड़ा चीज भी अंदर में नहीं ले जाने का। तो हम लोग सोचा चलो मिल तो गया एक चांस, तो अंदर में जाके दिखता है। फिर अंदर में जाके सर से मिला। इंश्योरेंस का माहौल कैसे बना फिर वहां पर? देखिए देवाशीष जब मेरा पास आया था, उन्होंने बोला कि सर इतना बड़ा आदमी का पास जाएगा तो आप हमको मदद कीजिए, हाँ आप चलिए। तो जब मैंने देवाशीष को बोला कि हम देखो मैं एक ही शर्त में जा सकता हूँ कि सर को मैंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्रोच करें, तो देवाशीष भी हतचकित हो गया, इतना बड़ा आदमी को आप LIC के लिए बोलिएगा? हम बोला हाँ बोलेगा। तो फिर काफी प्रैक्टिस करना पड़ा। कोई देखिए उतना कम टाइम में उनको समझाने के लिए क्या क्या हम दोनों बोलेगा, वो पूरा पहले से स्क्रिप्टेड था पूरा। अच्छा। उसके लिए प्रैक्टिस जबरदस्त प्रैक्टिस करके नहीं, लेकिन ये फिर ये इसका ओपनिंग कैसे हुआ उनके पास? पहले तो देखिए सिख भाई लोग बोल रहा कि देखिए सर ये किताब है, किताब लेके गया हम लोग, उनका परमिशन लेके किताब दिखाया, तो सर किताब देख रहा था। और मेरा अंदर में था कि हम ऐसा कुछ बोलेगा कि सर का साथ कनेक्ट हो जाए। तो एक्चुअली सर का जो वेबसाइट है आज भी देखिए उनका लिखा है, उन्होंने विद्या सागर कॉलेज बीरभूम कॉलेज में उन्होंने टीचरशिप किया, बल्कि वो था विद्या नगर कॉलेज। अच्छा मेरे को कैसे पता, मेरा जो मामा बाड़ी है उनका बाजू में ही विद्या नगर कॉलेज था, और मेरा एक मामा उनका स्टूडेंट रह चुका। तो मैंने जब पहले उनको बोलने का कोशिश किया तो उन्होंने बहुत जोर से एक साउट कर दिया, अभी हमारे साथ बात करना है तो रुक जाइए, आज ना भी आए, कभी हमको उन्होंने कभी देखा नहीं ना हम उनको देखा। तो फिर मैंने ना ऐसा खड़ा हो गया, एकदम खड़ा हो गया, बैठने का तो जगह नहीं था। फिर पंजाबी भाई लोग उनको समझा रहा था, मैं वेट कर रहा था बाजपा पंखी जैसा कि एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो ऐसा करके ना उन्होंने मुड़ा, अचानक हो गया। तो मैंने तुरंत चल गया, अच्छा सर एक चीज पूछना था, आप तो विद्या नगर कॉलेज में अध्यापन कराते थे, वो जो विद्या नगर हमने जो उनको जो वॉइस मॉड्यूलेशन किया तो उनका कान में आ गया, देखिए कितना उनका प्यार था उनका स्टूडेंट के लिए। तो मैंने उन्होंने बोला हाँ, उसी टाइम में उनका गला एकदम मुलायम हो गया, बोला हाँ मैं तो विद्या नगर कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक्चुअली ना मेरा मामा आपका स्टूडेंट रह चुका। वो तुम्हारा मामा मेरा स्टूडेंट था, क्या नाम है, लेकिन मैं नाम और नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? टाइम था सिर्फ 3 मिनट। हाँ, और इसका अंदर में भी उनका जो PA है आके बोला आप लोग का टाइम हो गया, लेकिन हमने बोला नहीं, सर ने बोला है रुकने के लिए। और बीच में तो मामा का नाम, मामा आ गया तो सर ने भी कुछ नहीं बोला, तो वो देखा तो वो पीछे चला गया। फिर हमने देवाशीष को ऐसा चप्पर मारा उनका साथ, उनका बैग में ना चेन खुला हुआ था और जो प्रपोजल था पूरा रेडी था, तुरंत देवाशीष उनको हाथ में लेके, फिर हम लोग का ओपनिंग डायलॉग था कि सर 62 ईयर्स सेलिब्रेशन हो रहा है LIC का, लेकिन आज तक आप जैसा महान हस्ती का LIC में कोई मेंबरशिप नहीं है, तो हम लोग चाहता है, हमारा इधर का जोनल मैनेजर चाहता है कि आपका नाम कम से कम LIC का फोल्डर में आ जाए। मैंने बोला देखिए सर आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है कि इंडिया में फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो गारंटी चीज बहुत कम मिलता है, और देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसमें लगभग 7% आपको लाइफ टाइम गारंटी रिटर्न मिलेगा, वो भी आपका जिंदगी भर, उसका बाद आपका रुपया वापस आ जाए। फिर मैंने और एक चीज बताया कि देखिए सर आपको तो मालूम है कि इंडिया में सिर्फ 7% आदमी का पास पेंशन है, आप लेने से, आप राष्ट्रपति है तो आप लेने से क्या है, पूरा इंडियन लोग इसके लिए पेंशन के लिए वो उत्साहित हो जाएगा। तो शायद वो सर का दिल में छू गया कि नहीं तो देखिए इतना बड़ा आदमी के लिए जीवन अक्षय पेंशन वो सब कुछ उतना ये नहीं इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। तो जब आपने उनको बोलना चालू किया, कुछ क्वेरीज उनकी निकल के आई, कुछ सवाल थे उनके? सुनिए मैंने उनका हाथ में पेपर दिया,
और मैंने वो उनका हाथ में पेपर दिया तो उन्होंने उनका एकदम ऐसा ऐसा करके स्कैन जैसा हो रहा है ऐसा ऐसा करके उन्होंने देखा और मैंने डायलॉग बोला। फिर उन्होंने एक ही शब्द बोला कि देखिए अभी मैं आपको कोई वादा नहीं कर सकता हूं तो क्या मैं ये सब पेपर रख सकता हूँ। हम बोला हाँ सर, हाँ सर रखिए। उसका अंदर में 2 sets ऑफ पेपर था प्रेजेंटेशन और उसका साथ साथ जीवन अक्षय का 2 proposals था एक लिफाफा का अंदर में लेके गया। बस उतना में क्या डिफिकल्टीज आई वो तो आपने उनको फॉर्म दे दिया अभी प्रपोजल तो आया नहीं तो क्या डिफिकल्टीज आई फाइनल प्रपोजल करने तक। पहले बात यह है कि हमको भी मालूम है उन्होंने जब बोला कुछ ना कुछ तो होगा। उसी टाइम में ना एक फोन आया मेरा आईफोन में तो मैंने पकड़ा यस तो बोला कि दिस इज अ कॉल फ्रॉम राष्ट्रपति भवन। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि सर फॉर्मर होने का बावजूद भी उनका जो सेक्रेटरिएट है वो पूरा राष्ट्रपति भवन से मिलता है। हाँ बोलिए। फिर बोला हम सचन सच IAS ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपने कुछ प्रपोजल सर को दिया है वो आप समझाइए मेरे को। तो पूरा 45 मिनट्स उनको जीवन अक्षय के बारे में समझाया। फिर वो सब होने का बाद भी वो लोग उन्होंने पूछा कि मानिए आपका कुछ फिर से कुछ क्वेरी आ जाए तो क्या हम आपको फोन कर सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 24 hours LIC के लिए काम करता हूं, आप 2 बजे फोन कीजिए उसका आंसर मैं देगा। तो उन्होंने बहुत खुश होकर छोड़ दिया। फिर भी काम आगे नहीं बढ़ा। उसका कुछ दिन बाद में और एक लेडी ऑफिसर ने फोन किया था, एक ही बात बोला राष्ट्रपति भवन से, अभी मेरे को मालूम है, बोला मैं सचन सच मिसेस CA बोल रहा हूँ IAS ऑफिसर। तो सर ने तैयार हुआ कि आपका फॉर्म में साइन करने के लिए आप हमको समझाइए कि फॉर्म कैसे भरना है। उनको भी आधा घंटा मैंने जीवन अक्षय फॉर्म कैसे भरना है। फिर मेरा दिल में ख्वाहिश था कि सर इतना बड़ा हस्ती है उनके लिए क्यों ना 2 sets ऑफ फॉर्म लिया जाए कि एक सेट ऑफ फॉर्म मेरा सुविनीर के तरफ में मैं रखना चाहता था। मैंने बोला फिर बोला इतने सर आप सिग्नेचर नहीं नहीं नहीं, नहीं सर का मूड खराब हो जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं मैडम एक काम कीजिए आप एक ही सेट कर दिए। ओ एक सेट में हो जाएगा। हम बोला हाँ वो मैनेज कर लेगा। बहुत खुश हो गया मैडम। तो उन्होंने छोड़ दिया। इसका बाद में मैंने वेट कर रहा था कि आएगा 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 क्योंकि सब फॉर्म में साइन होने हो गया तो आना ही चाहिए। आया नहीं। फिर मैंने वो नंबर में फोन किया था तो मैडम ने फोन लेके थोड़ा बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोला कौशिक जी आई एम वेरी सॉरी योर प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड। अच्छा हम बोला इसे कैसे होगा, सीनियर DM को मालूम है, MM को मालूम है, ब्रांच मैनेजर को मालूम है, मेरा तो इज्जत का फालूदा हो गया। अच्छा मैं तो उनको नहीं बोला। हम बोला हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो मैडम को शायद उतना बातचीत किया तो थोड़ा रिलेशन तैयार हुआ तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली कौशिक जी His Excellency wanted to take the policy, but his son has refused to take this. अच्छा। तो फिर मैंने बोला give his phone number। बोला नहीं 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 हम नहीं दे पाएगा ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। फिर मैंने दोबारा ना बहुत चिल्ला कैसा होता है ना एकदम लास्ट और तो कोई रिसोर्ट नहीं है give his phone number बहुत जोर से चिल्लाया। फिर उन्होंने ना फोन नंबर दे ही दिया। अच्छा फोन नंबर देने के बाद ये मैं बोल रहा था कि उसी टाइम में मैं SB ऑफिस में था, मेरा जो SB ऑफिस है मेरा घर का बाजू में ही है तो मेरा लंच टाइम हुआ तो उसी टाइम में फोन आया। फोन में हम पकड़ा यस आर यू मिस्टर कौशिक घोष। हम बोला यस आई एम सचन सच मुखर्जी स्पीकिंग MP speaking। बोला बोलिए हाउ यू हैव सेंड द कोटेशन टू माई फादर, हाउ डेयर यू हैव आस्क्ड फॉर प्रीमियम फॉर हिम, गिव द चेयर नेम ऑफ योर चेयरमैन। मेरा वाइफ इज द ओनली विटनेस इन दिस वर्ल्ड की जिन्होंने देखा कि एक ना को कैसे हाँ में मैंने चेंज किया। बहुत बहुत सॉल्व बहुत कुछ। अच्छा। लेकिन उसका अंदर में मैंने क्या बोला वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने 2 चीज के ऊपर बहुत फोकस किया। एक मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर,
उन्हीं का पॉलिसी मैं लेना चाहता हूं, उनको मैं दिल दिमाग से मैं रेस्पेक्ट करता हूं। तो उन्होंने पूछा आप कितना दिन से काम कर रहे हो, तो मैंने बोला सर 87 से ऑफिसर हूं। इतना दिन क्या करते थे, मैंने चुप हो गया। आहिस्ता करके बोला सर इतना बड़ा हस्ती जिन्होंने इतना महान इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति रह चुका, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका, उन्होंने हमको उनका साथ बात करने के लिए मौका दिया, उनका साथ फोटो उठाने का मौका दिया, ये मेरा 14 पुरुष का भाग्य है सर। तो ना ऐसा जब बोला तो वो हंस दिया। अच्छा। हंसी तो फंसी। फिर मैंने ना उनको मैंने उन्होंने फिर हमको बोला क्या तुमको कौशिक बोल सकता हूँ, हम बोला बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला एक्चुअली क्या ना ये बोला उन लोगों को आप इशारा समझ लीजिए, वो लोग हमको समझा नहीं सका ठीक से, तो आप दोबारा मेरे को समझाइए। फिर मैं उनको जैसा उनको समझाया प्रणब जी को वैसे ही समझाया। फिर एक चीज उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा कंपनी LIC भी नहीं बोला, तुम्हारा कंपनी को मैंने मेरा पिताजी इतने सारा रुपया देगा उसका वापस आएगा उसका क्या गारंटी है। फिर मैंने बोला आपने सही बोला, ये शायद दूसरा कंपनी के लिए लागू होता है लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा कि LIC के लिए एक सेक्शन 37 LIC एक्ट 1956 बोल के है जिसमें बोला गया कि LIC में जो भी रुपया डिपॉजिट किया जाएगा उसका गारंटी LIC का साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है। फिर उन्होंने कोई आदमी का नाम लेकर उनका गवर्नमेंट वो तो कभी भी उठा सकता है। हम बोला ये तो सर सही है, उठा तो सकता है लेकिन अभी तक तो है, अभी ले लीजिए ना, अभी लेने से तो ये मिलेगा, ये जो आपका बर्मो जो आर्थिक बर्मो जो है ये गारंटी है तो मिलेगा। लगभग 30 मिनट्स स्टॉप, हम भी स्टॉप, ही इज ऑल्सो स्टॉप। उनका बाद उन्होंने बोला अच्छा क्या तुम दिल्ली आ सकते हो, तो उसी टाइम में ना एक्चुअली मेरा पिताजी बीमार था, मैंने बोला देखिए मैं अकेला लड़का इधर में हूँ तो पिताजी बीमार है, आई कैनॉट गो आउटसाइड। फिर उन्होंने ना तब मुलायम हो गया वॉइस, बोला क्या तुम एयरपोर्ट में मिल सकते हो दमदम में, हम बोला कभी भी आप रात को बोलिए हम चले, बोला ठीक है चलो हम तुमको फोन कर लेगा जब बताएगा तुम आ जाओ। इसी से फिर आगे बढ़ा, फिर उन्होंने बुलाया, एक्चुअली उन्होंने घर में ही बुलाया, बुला के फिर काम आगे बढ़ा, फिर काम आगे बढ़ा, उन्होंने चेक दिया सब कुछ दिया। मुझे एक बात बताइए कौशिक जी, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका कन्विंसिंग की जो आपने बातें बताई माइंड ब्लोइंग, जिस तरीके से आपने जो है वो इस परिस्थिति को हैंडल किया मैनेज किया किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, समझ में आता है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, इतनी इतनी महान हस्ती है, इतने बड़े इंसान है, पैसों के इर्द गिर्द रहने वाला इंसान, राष्ट्रपति है, उनके लिए सेविंग्स का इतना इम्पोर्टेंस क्यों था? एक्चुअली उनका अंदर में ना पूरा भारत देश के लिए बहुत बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। उनके लिए सेविंग सच में कुछ मायना उतना नहीं रखता था। उन्होंने ये पॉलिसी लिया मेनली फॉर अवेयरनेस ऑफ इंडियन फॉर पेंशन। मेरा मिशन पेंशन है, मैं एक्चुअली मेरा ये मिशन है कि 31 मार्च 2025 का अंदर में मैंने हमारा टीम पूरा तैयार किया, मेरा मिशन हम लोगों का मिशन पेंशन है कि 1 लाख अनऑर्गेनाइज्ड आदमी को हम लोग पेंशन देना चाहता है। तुमको मैं आशीर्वाद करता हूँ, ये पूरा जुगोपयोगी, बंगाली में बोला जुगोपयोगी मतलब इट इज अ करेंटली रिक्वायर्ड थिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग आई एम माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू, यू गो अहेड विथ योर मिशन कि तुम सबको पेंशन के लिए जागृत करो। लेकिन कौशिक जी क्या उनके उनकी सोच क्या थी इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग्स को लेकर उनकी सोच क्या है? उन्होंने गांव से आया, एकदम वेस्ट बंगाल का बीरभूम गांव से आया, मिरीटी ग्राम। तो उन्होंने एक चीज हमको एक दिन बताया कि मैंने हमारा मम्मी को ग्रैंड मदर को देखा कि जब चावल रखता था कि चावल से भी 2 मुट्ठी चावल अलग से एक जार में रखता, क्यों रखता, हम लोगों का क्या कमी था ना, उतना कमी नहीं था लेकिन मानो किसी टाइम में
चावल नहीं मिले रात को तो कैसे होगा, वो चावल से आना चाहिए। तो सेविंग्स में उनका बहुत बुनियादी उनका दिमाग में था कि सेविंग्स इज अ मस्ट। कौशिक जी, आप आम जनता के बीच में रहते हैं, आम जनता को सेविंग्स के बारे में बताते हैं, इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, और अब आप जो है एक खास आदमी से मिल रहे थे, देश के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, आपने क्या फील किया? एक खास आदमी और एक आम आदमी की सोच जो इन्वेस्टमेंट के बारे में है, उसमें क्या अंतर होता है? अलग है, अलग है, अलग है। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ये दोनों ही मानता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी आदमी है वो उन्होंने सेविंग्स के लिए सोचा था रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि उनका डॉटर का स्टडी के लिए, बच्चा लोगों का स्टडी के लिए, डॉटर का मैरिज के लिए। लेकिन जो बड़ा आदमी है उन लोगों का तो रोटी कपड़ा मकान का चिंता नहीं है, उन लोगों को सेविंग्स करने का दूसरा मकसद रहता है, जैसा टैक्स फ्री रिटर्न, जैसा मैंने MWP एक्ट के बारे में बोलता हूँ ना, मैरिड वुमन्स प्रॉपर्टी एक्ट, की आपका रुपया अनटचेबल रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ उन लोगों के लिए खास बोला जाता है। कौशिक जी, कैसा फील होता है आपको, राष्ट्रपति जी को आप कन्विंस कर पाए, उन्हें अपना क्लाइंट बना लिया, हाउ डू यू फील? सर का साथ जब फोटो, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि राष्ट्रपति जी का फोटो ऐसा तो नहीं पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन मैंने सर से परमिशन लिया, सर को मैंने बोला कि सर आपका साथ जो मेरा फोटो है क्या मैं सबको दिखा सकता हूँ, जिसमें से मेरा कंपनी का मेरा, हम बोला कि अभी भी देखिए हम लोग इतना नेक काम कर रहा हूँ, फिर भी आदमी का दिल दिमाग में लाइफ इंश्योरेंस पर्सन के लिए उतना इज्जत नहीं है, और आप इतना इज्जतदार आदमी है, आपका साथ फोटो दिखाया जाए तो कम से कम हम लोगों का इज्जत थोड़ा बढ़ेगा, और कंट्रीमैन को भी आपका जो ख्वाहिश है कि पेंशन के लिए वो लोग सोचेगा। तो उन्होंने बोला हाँ तुम कर सकते हो, मतलब तुम डायरेक्ट बोला। फिर दो दिन में इतना वायरल हुआ उसी टाइम में, और मेरे को, हम आज बोल रहा हूँ, गले में खरज हो गया, इतना फोन आया, अरे बाप तुम कैसे क्या 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 क्या, मतलब इट वॉज अ समथिंग मिसमराइजिंग इफेक्ट, मतलब एक स्टारडस्ट फीलिंग उसी टाइम में मेरे को हुआ, इतना तो हम पता है, ये तो हुआ। काम बड़ा आपका, काम बढ़ गया, काम बड़ा, काम निश्चित रूप से बड़ा, क्योंकि देखिए इनका एक, हम मानता हूं एक राष्ट्रपति एक राजा जैसा होता है, उनका आशीर्वाद मिला तो उनका एक पावर रहता ही है, हम तो बढ़ गए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने इतने सुंदर एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया, और साथ ही में मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपका जो मिशन है 1 लाख लोगों को पेंशन देना, आपका जो मिशन है मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने मिशन को 2025 तक अचीव करें, हो सके तो पहले ही अचीव कर लें। थैंक यू, थैंक यू कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कौशिक जी के साथ हमने सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस नाम का प्रोग्राम किया है, ऐसे ही और सारे एक्सपीरियंस हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।